देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसिंग करेक्टर और नंबर, ये चैप्टर वही है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको। और यहाँ 18 से 36 जो है वो दो गुना है, और 18 से 90 जो देखा जाए तो ये पाँच गुना है, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई है, एक बार फाइव से। यहाँ भी 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यहाँ 15 पाँच 75 दे रखा है, और 15 दूनी कितना कर दोगे आप, 30 कर दोगे, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, पाँच और चार 9 होता है, पाँच चौके 20 होता है, तो जोड़ के तो ये आ गया और गुणा करके ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, 8 और 3 11, 8 3 24, ऐसे उत्तर 9 चौक 36 और 9 और 4 13, तो आंसर आएगा इसका 36। एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है, बहुत ज़्यादा आते हैं ये जो मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पर, लौट फिर के हर कोई एग्जाम में दिखाई देते हैं आपको, मैं तरीके समझा रहा हूँ, इसी तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम में दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो, इन सब से 6 आना चाहिए, इन दोनों से 8, उसी क्रम में उत्तर आना चाहिए, कुछ ऐसा करना है जिससे आंसर आ जाए। इनका टोटल है बेटा 42, 42 में 7 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, 6 बार। मैंने बताया था कि भाग जब भी चेक करोगे 2, 3, 5, 7, 10 और 20 का ही भाग चेक करना है, ठीक है। इनका योग है भैया 56, 7 का भाग लगा के 8 बार। इनका योग है 105, 7 का भाग लगाओगे तो उत्तर कितना आएगा भैया, 15। अगला एग्जाम्पल है, इसमें अगर कोई बीच में संख्या लिखी होती तो हम ये देख लेते कि इन सबको मिलाकर बीच की संख्या कैसे आएगी। और जब भी बीच में संख्या लिखी ना रहे तो हमेशा याद रखना है, आमने सामने की संख्याओं को या तो जोड़ो या घटाओ, ठीक है, ये होता है इसमें। तो यहाँ जोड़ के देख रहा हूँ मैं, 39 और 33 का टोटल है भैया 72, 29 और 43 का टोटल 72 है, 27 और 45 का टोटल भी 72 है। आमने सामने का योग 72 और 72 है। इधर आमने सामने का योग 40, 39 आ रहा है, 20 और 59 बराबर 79, और 10 में कितना ऐड करें जिससे 79 आ जाए, 69, तो आंसर क्या देखे हो गया आप, 69 ऐसे हो गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 है ना 21, और 7 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 और 3 है, 5 गुणा 3 यानी 3 गुणा 5 15, और दोनों का योग जो देखा जा रहा है वो कितना आ रहा है भैया, 18, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, 27 में 9 का भाग और 4 पंजे बेटा 20, 3 प्लस 20 बराबर किसके, 23 के, है ना, इसी क्रम में उत्तर निकालना है। देखो 33 में 11 का भाग 3, और यहाँ 27 चाहिए तो 24 जुड़ेगा, जब भी 27 आ सकता है अंदर, और 24 के लिए 6 का गुणा बेटा कितने से करना पड़ेगा, 4 से, 6 चौक 24, और जब ही योग कितना बैठेगा आपके, 27, ये क्रम इसमें चल रहा है। इसके बाद इस पे आ रहे हैं हम, इस वाले एग्जाम्पल को देखो, अंदर 68 लिखा है, ठीक है। 68 का मतलब ये है कि 6 और 3 9 और 4 13, 13 का जो वर्ग होता है उसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 168, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 1 करके आपके 168, यानी बाहर की संख्याओं को जोड़ के वर्क करके एक घटाना है, ठीक है। ऐसे देखो, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 का वर्क करके एक घटाएंगे 120, यहाँ 4 और 3 7 5 12 और 2 14 का स्क्वायर करके माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 195। देखिए भाई, अगला एग्जांपल ये है, यहाँ लिखा है 33, ठीक है। बाहर की सभी संख्याओं को मिला के 33 लाना है आपको, कैसे ला सकते हैं, सुनो, मल्टीप्लाई करने से आ नहीं रहा है, जोड़ के आ नहीं रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, सबका जब टोटल करोगे 33 आएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सबका टोटल करोगे 54 आएगा। इसी क्रम में आंसर निकालना है मुझको, देखो 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और भैया 5 का स्क्वायर, सबका टोटल करोगे तो आंसर आएगा 86। इसके बाद अगले पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो 0 चाहिए। अब यार 0 चाहिए तो आमने सामने जोड़ के घटाओ या आमने सामने घटा के जोड़ो, कुछ भी करो 0 लाना है आपको। तो 6 और 5 11 योग है, 7 और 4 11 योग है, 11 में तो 11 गए तो कितने बचा, 0। ऐसे ही 8 और 4 12 होता है, और 7 6 बेटा 13 होता है, 13 में तो 12 गए तो 1, 11 और 2 13 और 0 और 2 2 घटाओगे तो उत्तर कितने देख के आओगे भाई, 11। आमने सामने जोड़ के फिर मैंने अंतर निकाला है। अगले एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ मैं,
देखिए यहाँ इन सभी नंबर से 56 चाहिए, उसी क्रम में 50 चाहिए, उसी क्रम में हमको उत्तर चाहिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ ब्लैंक है, ठीक है। अब यार तीन है, ये चार है, चार और तीन का योग कितने हुए? सात, ठीक है। और छह और दो का योग कितने हुए? आठ। तो सातू आठू 56। अगले में भी चेक कर लेते हैं, देखो नौ और एक 10, तीन और दो 5, और गुणा करें तो कितने? 50। ऐसी उत्तर चाहिए, 5 योग, और कितने पंजे 80 होते हैं बेटा? 16 पंजे 80 होते हैं। तो 16 पंजे 80 करने के लिए यहां 7 है, 16 करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा मुझको? 9। जब ही इनका योग 16 बैठेगा और इनका योग 5 बैठेगा, गुणा करने पर 80 आएगा। तो आंसर क्या देके आओगे आप इसमें? 9। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो तरीके समझा रहा हूं ध्यान से देख लेना इनको। इसके बाद 14 में से 6 गए तो 8, और 9 में से 2 गए तो कितने भैया? 7। 7 × 8 = 56। इसमें तो आमने सामने जोड़ के फिर गुणा किया था, और इसमें मैंने आमने सामने घटा के फिर गुणा कर रहा हूं। इसी क्रम में यहां पर और इसी क्रम में उत्तर निकाल रहा हूं मैं, देखो डायरेक्ट ही। 20 में से 10 गए तो भैया कितने? 10 है ना। और 11 में से 4 गए तो कितने? 7। और भैया एक गुणा करूंगा कितना आ जाएगा आंसर? 70 आएगा। देखिए भाई ये एग्जांपल है, अंदर 5 लिखा है या 3 है या 16 है, 81 है और 406 है। क्रम ढूंढना है, क्या क्रम चल रहा है उसी क्रम में आंसर आए। तो देखो सुनो, 5 का बेटा 3 से गुणा करो, 5 × 3 = 15, और 15 से 16 कैसे आ सकता है बोलो? प्लस 1 करके। यानी 5 से गुणा हर बार करना है और एक जोड़ के अगली संख्या आ रही है ना। 5 × 16 = 80 बेटा, एक जोड़ के 81, 81 × 5 405, और एक जोड़ के 406। ऐसी उत्तर 5 का 406 से गुणा करा 2030, और एक जोड़ेंगे तो 2031, ये आंसर है। देखिए भाई इन सभी संख्याओं से 12, इन सभी संख्याओं से 21, और इन सभी संख्याओं से आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। 10 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा भाई? 12 का। मैंने बताया था ना, 2, 3, 5, 7, 10 और 20 का भाग कभी भी लग सकता है। ऐसे ही 6 × 7 × 5 210, 10 का भाग 21 है ना। ऐसे ही बेटा यहाँ 4 × 8 × 10 320, और 10 का भाग लगाए तो उत्तर क्या दे के आओगे भाई? 32। तो बाहर की संख्याओं को गुणा करके सब में भाग कितने का लगाना है आपको? 10 का। इसमें आते हैं, यहाँ पर देखो भाई 6 है और ये 1 है, 6 और 1 = 7, अंदर कितना लिखा है? 5, 7 × 35। दोबारा देखो एक बार, 6 और 1 = 7, 5 से गुणा तो अंदर वाली संख्या 35। ऐसे ही इन दोनों का योग 5 और बेटा 4 से गुणा तो 20। ऐसे उत्तर 10 × 6 = कितना आएगा उत्तर? 60 आएगा, ठीक है। इसके बाद इस पे आ रहा हूँ, देखो देखिए दोस्तों, ये जो सभी संख्याएं, ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्या जब भी आती है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है ना। ये है भैया 9 का, ये है 8 का, 4 का, और ये है भैया कितने का? 3 का। 3 और 4 को जोड़ें तो कितना आएगा अंदर? 7। 8 और 4 को जोड़ें कितने का आएगा? 12। 8 और 9 को जोड़ें तो कितना आएगा? 17। और 9 और 3 को जोड़ें तो आंसर क्या दे के आओगे आप? 12, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों संख्याओं से 316 लाना है आपको। कैसे ला सकते हैं? इससे और इससे 316 लाना है मुझको, है ना। कैसे ला सकते हैं? देखो इन दोनों को जोड़िए, 336 × 112 (948)/3 बराबर कितने के? 316 के, है ना। ऐसे उत्तर 213 और 420 का योग आएगा बेटा 633, और 3 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा आपके 211। ऐसे हो गए। देखिए भाई इन सभी को मिलाकर 80 आना है और उसी क्रम में उत्तर आना है, ठीक है। 15 और 5 का जब अंतर निकालें, 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर भैया? 10 का। और ये 6 और ये 2 है, 6 और 2 का योग करेंगे तो 8। तो दोबारा देख लो, यहाँ तो घटा रहा हूँ अंतर और यहाँ जोड़ रहा हूँ 8, और दोनों का करना है भैया मल्टीप्लाई, गुणा करके कितने का आएगा दोनों का? 80। इसी क्रम में उत्तर, यहाँ माइनस करा दो 2, यहाँ प्लस किया तो 24, और दोनों का जब गुणा करोगे तो 24 दूनी 48
उत्तर आएगा। अब इसकी बात करें, इस पे अगर विचार करते हैं, ये एग्जाम्पल दे रखा है बोर्ड पे, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको क्रम देखना है, ठीक है। यहाँ देखो, इनका गुणा करें 14 चौक 56, 12 3 36, और घटा देंगे तो कितना आएगा भैया, 20। ऐसे ही 9 9 81, 13 3 39, घटाओगे तो कितना आएगा, 42। इसी क्रम में, ये इसी क्रम में उत्तर। तो यहाँ पर गुणा करेंगे भैया 200, और यहाँ 8 लिखूँ ऑप्शन को देखकर, तो कितना आएगा, 160। जब भी अंतर कितने का आ सकता है, ये 40 का अंतर आ सकता है, तो ऑप्शन को देखकर होगा ये, कितना आएगा आंसर इसका, 8 आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें निकालना है क्या आएगा, ये मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारणी वाले, इन पे भी जो महत्वपूर्ण पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 0 में प्लस 1 किया तो 1, और 1 में प्लस 1 किया तो 2 आएगा, क्लियर है। यहाँ माइनस 1 में प्लस 1 किया तो 0, और 0 में प्लस 1 किया तो आंसर क्या आएगा भैया, 1 आएगा। माइनस 2 में प्लस 1 किया तो माइनस 1, और माइनस 1 में प्लस 1 किया तो 0 आएगा। तो ऊपर से नीचे प्लस 1 के हिसाब से आंसर आएगा। फिलहाल आंसर कितना देके आओगे आप, 1 देके आओगे, क्लियर है। इसके बाद में देखो, 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 3/2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 में जब 2/3 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 8/3 आएगा, ठीक है। और 19/5 में से ये चाहिए हमको, या तो ऑप्शन से करो, इसमें कितना जोड़ूं जिससे ये आ जाए, या फिर इसमें 19/5 में से 3 घटाएंगे तो सॉल्व करके एलसीएम लेके कितना आएगा भाई, 4/5। तो आंसर देख के आओगे इसका, 4/5। देखिए भाई, इन सभी से 2 चाहिए और उसी क्रम में मुझे यहाँ पर उत्तर चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, 9 6 और 3 का योग माइनस 8 4 और 4 का योग बराबर किसके है, 2 के, यानी इसके योग में से इसका योग घटाओगे तो 2 आएगा। इसी क्रम में देखो, 4 6 और 4 के योग में से 9 0 और 3 का जब योग माइनस करोगे तो उत्तर कितना आएगा इसका, 2 आएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 75 आ रहा है, 75 से 300 चाहिए भाई, घटा दिया तो 75 का अंतर है, 300 लाना है। कैसे ला सकते हो तुम, 4 से गुणा करके, ठीक है। इनका जो उत्तर है वो कितना आ रहा है देखो बेटा, 22 आ रहा है, 4 से गुणा करें तो कितना आएगा उत्तर, 88। इसकी अगर बात कर रहे हैं हम आगे, तो इस एग्जाम्पल में 3 8 4 48 चाहिए, इसी क्रम में उत्तर चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो 8 4 3 गुणा कर दो, 8 × 3 × 4 बराबर आएगा कितका आपके, 96 के, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया, और 96 का जब 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा भैया, 48 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 × 35 × 70 और 2 का भाग लगाओगे तो उत्तर कितना देके आओगे, 35 देके आओगे, यानी बाहर की संख्याओं को गुणा करके भाग कितने का लगाना है आपको, 2 का। अब ये आखिरी एग्जाम्पल बचा है, इसको और देख लीजिए आप पूरी क्लास बोर्ड पे, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से उठाया मैंने, इन दोनों से 11, इन दोनों से 30, उसी क्रम में उत्तर कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर बेटा देखो, 5 × 1 करेंगे, 5 × 1 = 5, यहाँ 6 × 1 करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 और 5 का योग कितना आएगा, 11। तो दोबारा देखो, 5 × 1 = 5, 6 × 1 = 6, 6 और 5 का योग 11। ऐसे ही 6 चौक 24 और 3 × 2 = 6, 24 और 6 का योग कितना है भैया, 30। ऐसे ही 3 × 5 = 15 और 4 3 = 12, इन दोनों का जो योग आएगा वो कितने का आएगा भैया, 27। तो दोस्तों, आज ये चैप्टर के मैंने कुछ ट्रिक बताई हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल बताएं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आगे मैं अपनी वीडियो आपको आपके पास रेगुलर लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.